हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम अगर बात करें आज की डेट की, तो आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी सारी वीडियो आज की डेट में आएंगी, तो देख लीजिएगा। आपको बेहतरीन स्टॉक्स से रिलेटेड यहाँ पर रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें यहाँ पर आज की डेट की, तो यहाँ पर जेएम फॉर्डलर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। जेएम फॉर्डलर की बात करें तो आज के दिन में एक अच्छी खासी यहाँ पर देख सकते हैं, एक स्कैंडल को यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही है और अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर ये शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 5% की यहाँ पर एक गिरावट होती हुई नजर आई है, 5% से ज्यादा की गिरावट है। और इसका अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो यहाँ देख सकते हैं एक अच्छी खासी चार्ट पैटर्न है, अच्छा खासा ये शेयर नजर आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये एक पीरियड अक्टूबर से लेके अभी तक का एक कंसोलिडेशन फेज ही कह सकते हैं, ऐसे कि कुछ भी ये शेयर इस तरीके से चल रहा है और यहाँ पर टॉप पर बैठा हुआ था ये शेयर और अचानक गिरता हुआ नजर आया। तो इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है, ओएफएस लेके आए थे 3500 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पर ओएफएस एक भारी डिस्काउंट पे आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 35% के डिस्काउंट पे ओएफएस आता हुआ दिखाई दिया था, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ओएफएस आता है तो यहाँ पर शेयर गिरता हुआ नजर आता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आते हैं। अगर अगर शेयर का प्राइस 6000 के आसपास चल रहा है, अगर ओएफएस 5500 के आसपास आता तो एक चल जाता, तो यहाँ से उससे उनकी एक गलती की वजह से कंपनी का शेयर आज तक यहाँ पर पड़ा हुआ है। और उस टाइम यहाँ पर शॉर्ट भी किया गया था, तो शायद इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला भी हो सकता है, तो इससे रिलेटेड से भी जो कर रही है वो कर रही होगी। बट हम बात करने वाले हैं आज की डेट में कि ये शेयर गिरा है, क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर एक वीडियो को जाके गो थ्रू करिए, सीखिए। सीखने की यहाँ पर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको पास मिल रही है। और अगर बात करें यहाँ पर प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए, कल की डेट में यहाँ पर 2-3 शेयर बताए गए थे, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जुबिलेंट फूड, यहाँ पर ये भागते हुए दिखाई दिए। तो आज की डेट में भी अच्छे खासे शेयर आपको बताऊंगा, तो उन वीडियो को भी जाके देखिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अगर हम बात करें जीएम फॉर्डलर की, तो इसके कल रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए थे, तो यहाँ पर इसके रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड ऑन रिजल्ट है इन मिलियंस में, इस क्वार्टर के लास्ट क्वार्टर के और ये लास्ट ईयर के रिजल्ट, टोटल इनकम हम देखें स्टैंडर्ड ऑन में, तो यहाँ पर इनकम देखिए 1721 मिलियन, इससे पहले 908, इससे पहले 1330। ईयरली बेसिस पर जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस पर गिरावट है, ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर लॉकडाउन का मामला था, तो इस वजह से इसी तरीके की सारी कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। बट अगर बात करें टोटल एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस यहाँ पर देख सकते हैं, उसी हिसाब से एक्सपेंस ईयरली बेसिस पर बढ़ रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस पर घटते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 258 करोड़ रुपए का यहाँ पर मिलियन से रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 314, इससे पहले 163। तो ईयरली बेसिस पे इनकम बढ़ रही है, पर क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ गिरावट होती नजर आ रही है। तो ये जो रिजल्ट थे, ये रिजल्ट कौन से थे, स्टैंडर्ड ऑन। तो हम थोड़ा सा एक बार कंसोलिडेट रिजल्ट भी देखेंगे, इसके कंसोलिडेट रिजल्ट देखने भी बहुत जरूरी होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो आपको एक कंसोलिडेट रिजल्ट इन मिलियंस में दिखाई देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी टोटल इनकम की बात करें, तो देखिए इनकम में ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर जंप दिखाई दे रही है, 5528, इससे पहले 4746, पहले 1571 मिलियन सिंगल रुपीस। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर इनकम बढ़ रही है। एक्सपेंस की बात करें, तो एक्सपेंस भी उसी तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंस क्या है, 5685, इससे पहले 46, इससे पहले 1340। तो अगर बात करें ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं, और एक्सपेंस कितने बढ़ रहे हैं, तो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं टोटल इनकम से भी ज्यादा, समझ रहे हैं। टोटल इनकम 5528 की है और एक्सपेंस कितने हैं यहाँ पर 5685 का, तो यहाँ पर एक्सपेंस ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर बीच में लास्ट क्वार्टर में इनका कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स का भी 335 मिलियन से रुपीस का यहाँ पर एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से लास्ट अगर बात करें क्वार्टर में, तो इनको घाटा होता हुआ दिखाई दिया था। और यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे तो देखिए कंपनी प्रॉफिट में थी, अब लॉस में आ गई है, और इनका लॉस क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ये चीज यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पता चलेगा कंपनी यहाँ पर घाटा दिखाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर एक रीजन है कि यहाँ पर इनके जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं आए हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उससे रिलेटेड बातें करते हैं। यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर और देखते हैं, तो हमें देखेंगे 52 वीक लो 3335, 52 वीक हाई 6900, यहाँ पर आज की डेट में 62%, 1,45,000 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे उठाए गए। आई एम नॉट श्योर कि क्यों उठाए गए हैं, बट अगर बात करें यहाँ पर लोगों को एक बार यहाँ पर इसलिए यहाँ पर सिखाया जाता है कि कुछ भी
शेयर परचेज करने से पहले एक बार फाइनेंशियल्स देखिए, रिजल्ट आए हैं इसके, रिजल्ट कल की डेट में आए थे, तो रिजल्ट एक बार देखिए, 5% गिर गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये शेयर और नहीं गिर सकता, और भी ज्यादा इसमें गिरावट हो सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें 4.95% के शेयर प्रमोटर्स के पास है, और कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। और अगर हम बात करें इसके बिजनेस की, तो आपको पता ही है ये लीडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्लास लाइन इक्विपमेंट बनाती है, मतलब केमिकल्स जिसमें स्टोर किया जाता है उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट और कंटेनर बनाए जाते हैं वो यही कंपनी बनाती है, और लगभग 50% शेयर इसका मार्केट का है, हम इंडिया का है, तो ये सबसे बड़ी कंपनी नजर आती है अपने इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो इस चीज को आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मार्केट कैप की, देखिए स्मॉल कैप कंपनी है 6822 करोड़ रुपीज की, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है, यहाँ पर शेयर भागता है तो तेजी से भागता है जो कि हम देख चुके हैं, और गिरावट होती है तो वो भी गिरावट तेजी से होती है। इसके अलावा अगर बात करें डेट की, तो यहाँ पर डेट 34% का, यहाँ पर आई एम नॉट श्योर, यहाँ पर आई थिंक स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था तो 1.16% का कुछ दिखा रहा था, मतलब इनका डेट बहुत ज्यादा दिखा रहा था, अभी यहाँ पर डेट चेंज कर दिया है, आई एम नॉट श्योर क्यों हुआ ये। आरओसी की बात करें 33% का, एक बार दूसरी साइट पे भी हम जाके देख लेंगे ये इनका डेट बढ़ा है कि नहीं, आरओसी 33% का आरओई, ये सब चीज यहाँ पर पॉइंट्स बड़े बढ़िया अच्छे लग रहे हैं। और कुछ चीज जो अच्छे लग रहे हैं वो सब बात कर लेते हैं। सेल्स देखिए, यहाँ पर सेल्स कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओके, तो यहाँ पर सेल्स स्टैंडर्ड ऑन नंबर में अच्छी खासी यहाँ पर नजर आ रही है। प्रॉफिट की बात करें वो भी अच्छा खासा यहाँ पर नजर आ रहा है कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ता हुआ। बट कंसोलिडेशन की बात करें कंसोलिडेट नंबर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, बट अगर बात करें प्रॉफिट, प्रॉफिट कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है। इसके अलावा बात करें ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट, सेल्स यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वो सब कुछ यहाँ पर इनलाइन नजर आ रहे हैं, ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। तो कंपनी देखिए लॉन्ग टर्म व्यू से तो अच्छे है, बट एक बार इन्वेस्ट करने से पहले जो इनके ऊपर केस है वो एक बार रफा दफा होने दीजिए। आई एम नॉट श्योर ये अभी हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हो चुका होता तो यहाँ पर एक बार आप ये शेयर भागता हुआ आपको अच्छा खासा दिखाई दे सकता था, तो यहाँ पर एक ऑपरेटर का भी गेम हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें इस लेवल पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग फंसे हुए थे जब यहाँ पर OFS आया था उस दौरान, तो यहाँ पर OFS इधर आया था, हाँ, तो जब OFS आया था इधर की साइड पे, तो यहाँ पर देखिए लोअर सर्किट में शेयर आया था, बड़े बड़े लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स और सब कुछ यहाँ फंसे हुए थे, तो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर भी शेयर को भगाया गया था, और दोबारा इसी तरीके से शायद दोबारा भगाया जा सकता, तो उन्हें निकलना है, निकलने के लिए इसमें कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर एटलीस्ट मैं तो इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। ऑलरेडी मेरे पास है कुछ शेयर, तो उन्हें मैं रखे हुआ हूँ, बढ़ेगा ठीक है, नहीं बढ़ेगा कोई इशू नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर बोरिंग की, देखिए फिर दोबारा इन्होंने चेंज कर दिया, अभी कुछ टाइम पहले और कुछ दिखा रहा था, अभी कुछ दिखा रहा है, देखो यहाँ पर दिखा रहा है, देखो फिर चेंज कर दिया, ओके आपके सामने है 1.55% का यहाँ पर डेट दिखा रहा है। आई एम नॉट श्योर ये क्या हो रहा है इनकी वेबसाइट पे, बट अगर देखिए रिजर्व्स, अगर ये सही है तो इसके हिसाब से देखते हैं, रिजर्व देखिए 404 करोड़ के रिजर्व्स है, अच्छे खासे है। बट बोरिंग की बात करें, जो डेट फ्री कंपनी चल रही थी लास्ट ईयर 34, इस बार 633 करोड़ रुपीज की बोरिंग कर दिया, मतलब इन्होंने इतनी बोरिंग ले ली है। ओके, तो बोरिंग की एक चिंता का विषय है कि एक साल के अंदर अंदर इतनी सारी बोरिंग, मतलब इनकी इनके पास इतना रिजर्व्स नहीं है, इतनी इस कंपनी की रिजर्व्स नहीं है, और इनके पास पैसे नहीं है, और इससे ज्यादा यहाँ पर बोरिंग नजर आ रही है, तो एक ये भी रीजन है कि ये कंपनी आपको नीचे जाती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा फिक्स एसेट अच्छी खासी है, वर्किंग प्रोग्रेस में 4 करोड़ रुपए है, और यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट की बात करें 292 करोड़ रुपीज का कैश इक्विवेलेंट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश जो उनका आता है उसकी बात करें बुक में दिखाई देता है हमेशा 157 करोड़ रुपीज का है, और इसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देख सकते हैं। FIs ने यहाँ पर इस राज बढ़ाई है, DIS ने यहाँ पर इस राज थोड़ी सी कम करी है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 30% की हिस्सेदारी है, मतलब पब्लिक के पास यहाँ पर अच्छे खासे शेयर यहाँ पर नजर आती है। तो देखिए यहाँ पर एक डेट जो है ना वो एक बड़ा विषय है, इसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते कि 633 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्होंने इनके ऊपर डेट आ गया, और वो भी अचानक ही लगभग 600 करोड़ का डेट, तो एक महीने की बात है। तो अगर हम एक बार मनी कंट्रोल पे भी जाके एक बार देख लेते हैं, अगर यहाँ पर इन्होंने दे रखा है तो जी हम फॉलो, आई एम नॉट श्योर यहाँ पर दे रखा है या नहीं, थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं तो एक बार इनका डेट से रिलेटेड देख लेंगे। तो यहाँ पर रिवेन्यू दे रखे हैं, एक मिनट जी एम फॉलो,
बैलेंस शीट इस तरीके से आप भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जाते हैं, एक बार ओपन होने लगे तो यहाँ पर देखिए शेयर यहाँ पर है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 75 करोड़ दिखा रहा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग ये 14 करोड़ दिखा रहा है। बट ये डेटा कब का है एक बार देख लीजिए, मार्च 21 का। तो मार्च 21 में इतना दिखा रहा है और इन्होंने शायद अभी दोबारा कुछ लोन लिया होगा तो इस वजह से यहाँ पर जो दिखा रहा है जो यहाँ पर बोरिंग दिखा रहा है वो यहाँ पर अलग दिखा रहा है। तो एक बार क्रॉस चेक डिफरेंट डिफरेंट साइट पे कर लीजिए और एक बार अपनी तरफ से भी देख लीजिएगा। बाकी हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, अगर इस तरीके से है तो यहाँ पर मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर और ज्यादा गिरावट हो सकती है, और ज्यादा गिरावट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर केस भी है, कंपनी एक दायरे में ही चल रही है। दोबारा शेयर 3300 के आसपास आ सकता है, तो थोड़ा सा दूरी बना के रखिए इस शेयर में, तो यही मेरा एक कहना है। बाकी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपको अपने हिसाब से लेनी है। मार्केट में बहुत सारे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेहतरीन शेयर है कि यहाँ पर ये गिर गया है 5% तो इसे उठा ले, तो थोड़ा सा दूर रहिए। और भी बहुत सारे शेयर हैं यहाँ पर और उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको इस डेली बेसिस पे मिलती रहे और आपको बिवेयर भी कराया जाए और आपको प्रॉफिट भी कराया जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। So thank you so much. God bless.